हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती नेटिन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम सेट 2021 और 2019 का कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं 22 जनवरी 2017 को जो आपका एग्जाम हुआ था। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है और हम उसको कैसे हलवा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, यदि 4 की पावर x माइनस 1 = 24 हो तो 2x की पावर x का मान है। बहुत ही आसान सवाल है, आप मुझे बताओ क्या कह रहा है कि 4 की पावर x माइनस 1 लिखा है, इसको हम 4 की पावर x (4 की पावर -1) लिख सकते हैं = 24। अब मैंने ये कैसे लिखा, आप मुझे बताओ। जैसे कहूँ कि a की पावर m दे रखा है, जब भी बेस बराबर होते तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप सड इंडेसिस में पढ़ोगे क्या होता है, इसकी वैल्यू a की पावर m प्लस n। सेम कंडीशन ये है, अगर a की पावर m प्लस n, m की वैल्यू क्या दे रखा है x और n की वैल्यू क्या दे रखा है -1। आप मुझे बताओ, a की पावर m प्लस n है तो आप इसको भी इसमें फैक्टर में डिवाइड कर सकते हो ना। क्या कर सकते हो कि a की पावर x इंटू प्लस के बाद में n की वैल्यू क्या है, पूरी -1 है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर प्लस लगा दूंगा ना, x प्लस -1 है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर -1। ये चीज पता है, वही चीज मैंने यहाँ पर की। आप मुझे बताओ, दोनों संख्याओं में 4 की पावर x - 4 की पावर x (4 की पावर -1) दे रखा है, क्या हम इससे 4 की पावर x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ, 4 की पावर x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस का 4 की पावर x तो चला गया, यहाँ क्या बचा, 4 की पावर -1। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर कोई भी पावर -1 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अपनी रिवर्स मतलब पलट जाती है। तो 1/a भी लिख सकते हो, एक ही पावर अगर -1 है तो इसका मतलब क्या है, = 1/a होता है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 की पावर x (1 - 4 की पावर -1) दे रखा है, इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया प्रॉपर्टी होती है, = 24। अब 1 - 1/4 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 की पावर x, देखो 4 ऊपर जाएगा, -1 मतलब कि 3/4, 4 में से 1 गया 3 और नीचे 4 है, 3/4 आएगा। 1 में से जब 1/4 घटाओगे तो कितना आएगा, 3/4 = 24। बस आप इसको काट दो, देखो 3/8 = 24 होता है। अब 4 इधर जाएगा तो 4/8 कितना हो जाएगा, 32। आप मुझे बताओ 4 की पावर x क्या हो गया, 32। अब यहाँ से कुछ सोचने वाली बात है, अगर हम 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, आप मुझे 4 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर क्या है, x, वही चीज लिखी है 4 की पावर x। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 × 4 × 8 × 16 × 32। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर, देखो पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2x = 2 की पावर क्या होगा, 5। आप मुझे बताओ, जब भी बेस समान होता है तो पावर भी समान होगी, ये हमेशा ध्यान रखना। जब बेस इधर देखो 2 है, इधर भी 2 है, इसका मतलब पावर भी = 2 होनी चाहिए ना, 2 की पावर x = 5 होगा, तभी तो ये जो इक्वल का साइन लगा है तभी तो सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब 2 की पावर x = 2 क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ से देखो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या होगी, 5/2। आप मुझे बताओ, x की वैल्यू 5/2 आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि 2 की पावर x का मान बताइए। आप मुझे बताओ, 2x की पावर x है ना, x की वैल्यू आप 5/2 रखो, 5/2 की पावर क्या कर मान बताना है, 5/2 बताना है। आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, अब क्या बचा, 5 की पावर 5/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप मुझे बताओ, 5 की पावर 5 (1/2) लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि पावर का पावर में गुणा करोगे ना तब भी ये आ जाएगा, 5/2 ही आ जाएगा। आप मुझे बताओ, 5 की पावर 5 होता कितना है, देखो 1/2 का मतलब क्या है, √5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 होता क्या, 5 की पावर 4 × 5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 1 देखो मैंने अभी सिखाया थे, जब भी बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, m + n, इसका मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5 ही लिखा है। आप मुझे बताओ, कोई भी स्क्वायर रूट है, इसकी पावर 4 है, अगर पावर 4 है तो बाहर आएगी, इसकी पावर आधी हो जाती है। आप मुझे बताओ, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2, अंदर देखो 5 की पावर 1 है, इसको बाहर आएंगे तो आधी तो होगी लेकिन अंदर 5 ही रहेगा, समझे। आप मुझे बताओ, 5 की पावर 2 होता कितना है, 25,
रूट पाँच, 25 रूट पाँच कहाँ दे रखा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आप इतना सॉल्व ना करके आप एक चीज़ सोच सकते थे, आप मुझे बताओ सारे ऑप्शन में आपको 5, 25, 25 रूट 5 और 125 दे रखा है, इसका मतलब अगर आपको 2x की पावर एक्स निकालना है ना तो आपको 2 ख़त्म करना पड़ेगा, 2 ख़त्म होगा तभी तो 5 आएगा, अगर 2 रहेगा तो कभी भी 5 नहीं आ सकता, इसका मतलब आपको 2 ख़त्म करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 2x लिखा है इसका मतलब नीचे तो 2 हो गई होगा, यहाँ देखो जो एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये देखो 2 और एक्स जो कि वैल्यू होगी नीचे तो 2 हो गई होगा, यहाँ देखो कुछ भी ले लो अपॉन 2 तो आएगा ही आएगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/2 समथिंग आएगी। आप मुझे बताओ यहाँ 5 से लेना देना है, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ ना, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा, 2 से देखो 2 खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा 5 की पावर 5/2, और 5 की पावर 5/2 होता क्या, मैंने बताया था 25 रूट 5 आता है, 25 रूट 5 आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर हम x की वैल्यू 5/2 रखेंगे ना तो ये जो इक्वेशन दे रखी ना इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तभी ये हमारा आंसर सही हो सकता है। आप मुझे बताओ 4 की पावर x की वैल्यू आप 5/2 रख के देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, अब देखो 4 5/2 -1 = हमारा क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए, अगर 24 आ रहा तो सही। आप मुझे बताओ 4 की पावर 5/2 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और इसकी पावर क्या लिख सकते हो 5/2, माइनस का 5/2 -1 करोगे कितना बचेगा 4 को, आप देखो 2 की पावर 2 लिखो, यहाँ देखो 5 की पावर 2 -1 करोगे तो कितना बचेगा 3/2 बचेगा, 5/2 में से 1 जाएगा 3/2 बचेगा, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपके सामने बचा कितना 2 की पावर 5 -2 की पावर 3, अब देखो 2 की पावर 5 होता कितना है 32, और 2 की पावर 3 क्या होता है 2 × 4 × 8 32 में से 8 गया कितना आ रहा है 24 आ रहा है, 24 आ रहा है इसका मतलब देखो राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी 5/2 होगी, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 5/2 है तो हमको आंसर कितना मिलना चाहिए 25 रूट 5, आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सोचोगे ना तो इतना सब आपको करने की ज़रूरत नहीं, बेसिकली ये जो मैंने किया है ये भी एक बेसिक मेथड ही है, अगर आप थोड़ा बहुत मन में करोगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, मैंने हर एक टर्म को समझाने की कोशिश की है इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक जरूर करना अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है कि 2/3, 4/9, 5/6 और 7/12 का लघुतम समावर्तक है। दोस्तों जैसे ही आपने देखा ना ऑप्शन 4 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आप मुझे बताओ अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो ना किसी भी फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन मतलब PYQ फॉर्म में होनी चाहिए, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हो तो जो अंश होता है ना उसका आप एलसीएम निकालते हो और जो हर होता है उसका आप एलसीएम निकालते हो। अगर फ्रैक्शन में आपने एलसीएम पढ़ा होगा तो यही मेथड होता ना, एलसीएम अगर आप फ्रैक्शन का निकाल रहे हो ना तो ऊपर का एलसीएम निकालते हैं और नीचे का एलसीएम निकालते हैं। नीचे का मतलब हर में देखो 3, 9, 6 और 12 दे रखा है, 3, 9, 6, 12 का आपको एलसीएम निकालना होगा। देखो देख के नहीं लग रहा 3, 9, 6, 12 का एलसीएम क्या होगा 3 मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 3 ही ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 3 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, 3 से बड़ा कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं जो इन चारों संख्याओं को काट सके। इसका मतलब हर में आपको क्या आना चाहिए 3, हर में 3 आना चाहिए, बस हमको एचसीएफ से ही काम चल गया। देखो कहीं भी हर में 3 नहीं आ रहा, ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 1 गलत, ऑप्शन 4 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। ये हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं 100% की 2, 4, 5 और 7 का एलसीएम जो होगा ना 140 होगा ही होगा, क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन गलत कर दिए हैं, चौथे की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, क्या कह रहा है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं तो उन 2 संख्याओं में अनुपात होगा। आप मुझे बताओ तीसरी संख्या से क्रमशः कितनी अधिक है, 20% अधिक है, 50% अधिक है। आप थोड़ा सा सोचोगे, आप मुझे बताओ क्यों ना मैं तीसरी संख्या 100 ले लूं, क्योंकि 100 पे जो परसेंटेज निकालोगे ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप मुझे बताओ पहली संख्या कितनी अधिक है, 20% अधिक है। आप मुझे तो 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। आप कोई भी वैल्यू 100 पे निकाल रहे हो ना उसका अगर परसेंटेज निकाल लोगे तो वही होगा। देखो 100 का अगर 20% निकालोगे ना, 20/100 करोगे, 100 से 100 का मतलब जो भी परसेंट होता है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है। 100 का 20% कितना होगा, 20। कितना तीसरी संख्या से 20% अधिक है, मतलब 100 का 20% कितना हुआ, 20। मतलब कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, अधिक की बात कर रहा है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 120।
अब मुझे बताओ जो दूसरी संख्या होगी वो कितने परसेंट अधिक है, 50% अधिक है तीसरी संख्या से। ये तीसरी संख्या है, थर्ड नंबर, तीसरी संख्या से 50% अधिक है। 100 का 50% कितना होता है 50, 150 कितना हो जाएगा 150। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि उन दो संख्याओं का अनुपात, मतलब इस संख्या का और इस संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। इसका अनुपात ज्ञात कर लो, देखो 0 से 0 खत्म, 3 चौको 12 और 3 पचे 15, मतलब कि अनुपात कितना आया 4:5। ये सब आप मन में ही कर सकते हो कैलकुलेशन, इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है जो आप कैलकुलेशन ना कर पाओ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की ओर। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और परमाप का अनुपात 1:3 है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा। आप मुझे बताओ आयताकार का परमाप क्या होता है, आयताकार के परमाप की बात करेंगे ना, आयताकार का परमाप होता क्या, मतलब आयत का परमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। आपको दिया क्या है, लंबाई और परमाप का अनुपात, मतलब कि एल अनुपात 2 कोष्ठक एल प्लस वी का अनुपात दिया रखा है 1:3। आपसे पूछ क्या रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, मतलब एल रेशियो भी आपको निकालना है। आप मुझे बताओ एल अनुपात 2 कोष्ठक एल प्लस वी दे रखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात का रेशियो बटे में भी होता है, ये आपको पता होगा 2 कोष्ठक एल प्लस बी इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है। अब देखो 3 गुणा कर दो, 3 का इधर एल के साथ होगा तो कितना बनाएगा 3L इक्वल टू 2L प्लस बी का इधर होगा तो क्या बनाएगा 2L प्लस बी बनाएगा। अब देखो 2 का भीतर गुणा करो ना तो इधर क्या होगा 3L इक्वल टू 2L प्लस का 2B। आप मुझे बताओ L इधर 2L इधर जाएगा 3L में से घटेगा ना तो क्या बचेगा 3 में से 2 हो जाएगा, क्या बचेगा L इक्वल टू क्या बचेगा 2B। आपको निकालना क्या है L रेशियो B, यहाँ से देखो L रेशियो B आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर B को आप नीचे भेज दो तो यहाँ भेजोगे ना तो क्या बचेगा L अपॉन B इक्वल टू क्या बनेगा 2, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, L अपॉन B बराबर 2:1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, L रेशियो B बराबर 2:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2:1 कहाँ दे रखा है ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेशियो का मतलब आप बटे भी कर सकते हो, ये दोनों साइन बराबर होते हैं अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की ओर। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि P:Q बराबर R:S बराबर T:U इक्वल टू 2:3। आप मुझे बताओ, आपको दिया कहेगा P:Q इक्वल टू R:S इक्वल टू T:U इक्वल टू 2:3। इसका मतलब P, R और T की वैल्यू कितनी है 2 है, और Q और S और U की वैल्यू कितनी है 3। अगर हम कंपैरिजन करें, आपसे पूछ क्या रहा है, MP प्लस का NR प्लस का OT अपॉन MQ प्लस का NS प्लस का OU आपको बताना है के बराबर होगा। आप मुझे बताओ P की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ देखो P और R और T की वैल्यू क्या है 2, देखो 2 रख दो ना सब में, यहाँ क्या होगा M2 देखो M और इंटू 2 करोगे कितना आएगा 2M, इधर N इंटू 2 करोगे कितना आएगा 2N, इधर देखो O इंटू T करोगे कितना आएगा 2O, ऐसी अपॉन में देखो कितना आएगा एम इंटू क्यू क्यू करोगे, क्यू की वैल्यू कितनी है 3 है और एस की वैल्यू भी 3 है, यू की वैल्यू भी 3 है, मतलब कितना आएगा 3M प्लस का 3N प्लस का 3O। आप मुझे बताओ ऊपर से 2 कॉमन हो जाएगा, ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा एम प्लस एन प्लस ओ, नीचे क्या होगा 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो कितना आएगा एम प्लस एन प्लस ओ, एम प्लस एन प्लस ओ दोनों में कॉमन है दोनों कट जाएंगे, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको दे रखा है कि 2:3, मतलब कि 2:3 आने वाली है, 2:3 कहाँ दे रखा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइंदा से अगर ये सवाल आए ना आपको P:Q R:S T:U समथिंग को दे रखा है ना 2:3 और आपको ये चीज़ पूछ रहा है ना, ये फंक्शन आप ध्यान कर लो, अगर आपको ये चीज़ पूछ रहा है ना तो आपका सेम टू सेम आंसर आ जाएगा कि 2:3 ही होगा आंसर, बिना किसी समय व्यतीत करते हुए आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हो कि 2:3 होना वाला है, जब भी ऐसा फंक्शन हो और ऐसे कैटेगरी का सवाल आपसे पूछ रहा हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छः की ओर। क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 5 की पावर 71, 5 की पावर 72, 5 की पावर 73 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, ये संख्या ऑप्शन दे रखे हैं ना। आप मुझे बताओ 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 दे रखा है। आप मुझे बताओ यहाँ से आप 5 की पावर 71 कॉमन ले सकते हो,
यहाँ देखो कितना बचेगा, यह तो एक ही बचेगा। यहाँ देखो 71 कॉमन लिया तो 5 की पावर 1 मतलब 5 ही बचेगा। यहाँ 73 है ना, 71 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा। आप मुझे बताओ 5 की पावर 71, आप मुझे बताओ 1 प्लस 5 कितना हुआ, 5 का स्क्वायर कितना होता, 25, 25 5 30, 25 5 30 और 1 31। मतलब कि आपका इसको सॉल्व करके आपको क्या लिख सकते हो, मॉडिफाई करके 5 की पावर 71 इंटू 31 ये लिख सकते हो। आपसे पूछ ये रहा है कि कौन सी संख्या जो है ना इसको पूरा पूरा विभाजित करती है। आपको देखना है कि आंसर में आपको कितना मिलना चाहिए, 31। देखो कहीं ऑप्शन में आपको 31 दे रखा है, अगर मुझे बताओ नीचे अगर 31 होता तो ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड कर देता, क्योंकि 31 से 31 कैंसिल हो जाता। आप मुझे बताओ कहीं कुछ 31 लिख रहा है, अगर 31 नहीं दिख रहा है, आप देखो सबसे पहले टर्म क्या दे रखा, 5 दे रखा है ना, सब में 5 दे रखा है, तो आप इस चीज को 5 से डिवाइड कर दो, ऑप्शन को, ऑप्शन को 5 से डिवाइड करोगे ना आपको 31 दिखने लगेगा। देखो 5 छक्का 30, देखो 5 तिया 15, 1 16, 5 दूनी 10, देखो 5 तिया 15, 5 एकम 5, देखो 5 तिया 15 मतलब 30। देखो 31 कहाँ दे रखा, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 मतलब 31 दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। आप ऐसे सोच लो, या तो आप ऐसे देख लो 5 की पावर 71 इंटू 31 दिखा है ना, आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 70 इंटू 5 इंटू 31। आप मुझे बताओ 5 की पावर 70 इंटू 5 इंटू 31 क्या होगा, 155। इसका मतलब ये हुआ, आप मुझे बताओ कौन सी संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। अगर यहाँ पर 155 होगा ना तो ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी पूरी पूरी। कितना शेष भागफल मिलेगा, 5 की पावर 70, ये चीज़ समझ रहे। आप ऐसे ना समझ पाओ तो 5 का डिवाइड कर दो, देखो 31 आपको दिखना चाहिए, समझे। हमेशा ऐसे ही फंक्शन आते हैं, कभी भी यहाँ पर देखो वेस्ट की वैल्यू बदल जाती है, कभी 4 की पावर कभी 3 की पावर हो सकता है कुछ भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आप मुझे बताओ अंडर रूट की पावर अंडर रूट के भीतर 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72। जब भी इस तरीके का सवाल दिया गया हो और लास्ट में इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा हो, आप मुझे बताओ जब भी इस तरीके का सवाल दिया गया हो, आप सबसे पहले देखो 72, 72 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस हमेशा एक हो। 72 के ऐसे फैक्टर करोगे ना, थोड़ा बहुत सोचोगे जिनका डिफरेंस एक। आप मुझे बताओ 8 निम 72 होता है, दो फैक्टर का डिफरेंस कितना है, 8 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, एक। हमेशा एक डिफरेंस होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ आंसर आपका क्या होगा, अगर यहाँ पर प्लस लगा है ना तो आपका बड़ा वाला आंसर हो जाएगा प्लस का 9, अगर यहाँ पर माइनस लगा होता ना तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाता 8। यहाँ देखो प्लस लगा है, इसका मतलब बड़ा वाला आंसर होगा प्लस का 9, मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मजाक में उड़ जाएगा अगली बार सवाल आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में एंगल x डिग्री का मान होगा। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, आप मुझे बताओ, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा बना गया एंगल, दोनों जीवाओं का जो लास्ट बिंदु होता है ना उनसे मिलकर बना एंगल, जैसे यहाँ पर x डिग्री है, तो कहीं भी आप सर्कल में बनाओगे ना हर जगह वो क्या कहलाएगा, एक्स डिग्री। इन दोनों जीवाओं से मिला हुआ ट्रेंगल जो होता है एंगल वो क्या कहलाता है, एक्स डिग्री कहलाता है। आप मुझे बताओ ये जीवा दे रखी है, ध्यान से देखना, ये जीवा है, इन दोनों जीवाओं का केंद्र मिलाकर एक एंगल बनाया गया, वो कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री है। आप मुझे बताओ इसी जीवा से एक ये भी ट्रेंगल बनाया गया, देखना ध्यान से, ये वाला ट्रेंगल क्या होगा, सेम जीवा से बनाया गया, दोनों केंद्र दोनों लास्ट बिंदु से मिलाकर बना गया एंगल। ये देखो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ये लाइन भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो जीवा के द्वारा बना गया एंगल है, 30 30 ये भी होगा। आप मुझे बताओ, आपसे पूछ क्या रहा है एक्स डिग्री, आप देखो ध्यान से ये वाला पूरा एंगल, ये देखो ये एंगल लोगे ना आप, ये एक त्रिभुज की तरीके से लग रहा है, ये एक त्रिभुज तरीके से लग रहा है। आप मुझे बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये देखो 30 डिग्री ये दे रखा और 80 डिग्री ये दे रखा, 80 30 कितना हुआ 110, 110 इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, ऑप्शन 3 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करोगे ना चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में चार गुनी हो जाएगी, चार गुनी कितने समय में हो जाएगी, ऑप्शन 3 मतलब 20 ईयर। कैसे, आप मुझे बताओ कैसे, कोई धनराशि है जैसे 100 धनराशि है, चार गुनी होने का मतलब कितना हो जाएगा 400, कितना बड़ा 300 बड़ा, मतलब ब्याज कितना मिला 300। देखो 300 अगर 100 पे करोगे ना, 300 अगर 100 पे अगर रेट परसेंट लगाओगे ना, 100 100 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 300% बढ़ना चाहिए।
300% बढ़ना चाहिए। मतलब कि 300% है क्या ये 300% जो है ना वो कितना क्या है आप मुझे बताओ। ऐसे से आप मुझे बताओ, ये सब छोड़ो, 300% बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ, 300% जो होता है ना रेट और टाइम का मल्टीप्लाई होता है। देखो रेट आपसे पूछ रहा है ना, ये क्या समय पूछ रहा है ना, टी रेट का कितना है 15, 15 में किसका गुणा करेंगे 300 आ जाए, 15 में आप 20 का ही गुणा करोगे 300% आएगा। ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ जैसे 100 से 400 हो गई, आपको ब्याज कितना मिला 300। आप मुझे बताओ ऐसा ही बराबर आपको पता होगा ना पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। आप मुझे तो ऐसा ही कितना है 300, प्रिंसिपल कितना है हमारा 100 इंटू रेट आपको 15 दे रखा है और टाइम कितना पूछ रहा है अपॉन 100 करोगे। देखो 100 से 100 खत्म, 15 से काटोगे 15 दूनी 30, मतलब 20 साल लगेंगे टी बराबर। या तो आप ऐसे सोच लो यार, देखो 300 पे क्या होता है 300%, मतलब कि 15% में हम किसका गुणा करेंगे 300% बना दे, मतलब 20 साल। ऐसे भी चीज़ें आसान हो सकती हैं ना, सोचने का तरीका बदलोगे ना चीज़ें आपको ओरली सॉल्व होने लगेंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए और औसत 17.5 रहता है, प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। आप मुझे बताओ, इससे आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे, आप सबसे पहले ऑप्शन उठाने का तरीका जानिए। सबसे पहले आप छोटी वैल्यू देखा करो, जैसे मैंने कहा प्राकृतिक संख्या कितनी है 10 है, 10 मान लो कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 15 है। जैसे मैं कहूँ एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है टोटल नंबर का सम, मतलब टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर, समझे। आप मुझे बताओ एवरेज कितना दे रखा 15, टोटल नंबर मैंने कितने ले लिए, मान लो 10 प्राकृतिक संख्या है, इनका टोटल सम अगर निकालना हो टी एस कितना हो जाएगा हमारा, टी एस कितना हो जाएगा 150, टी एस 150 हो जाएगा। आप मुझे बताओ, आप क्या कह रहा है कि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए, मतलब कि पहली संख्या अगर कोई भी हो यहाँ पर 30 जोड़ोगे और अंतिम में आप 5 घटाओगे ना, टोटल कितना बढ़ेगा, टोटल जो बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 25 बढ़ेगा नंबर, टोटल 25 बढ़ेगा, तो औसत कितना हो जाता है 17.5 रह जाता है। औसत कितना हो जाता है 17.5, मुझे बताओ 25 बढ़ा ना 10 पे, मतलब टोटल सम कितना बढ़ा हमारा 25 बढ़ा, कितने पे 10 पे, इसका मतलब एवरेज अगर बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 10 से काटो ना 25 कितना आएगा 2.5, मतलब कि जो एवरेज अगर पहले कितना था, पहला एवरेज हमारा 15 था, तो एवरेज कितना बढ़ेगा 2.5 बढ़ेगा अगर संख्याएं 10 होंगी, 2.5 बढ़ रहा है। देखो 15 और प्लस 2.5 करोगे ना 17.5 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप एक बेसिक देख लो, बेसिक कैसे, आप मुझे बताओ आपको एवरेज तो पता ही है ना, टोटल सम होगा ना नंबर अपॉन एवरेज, टोटल नंबर एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। आप मुझे बताओ एवरेज कितना है, मान लो कोई कुछ प्राकृतिक संख्या, मान लो n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है 15 है। आप मुझे बताओ औसत कितना है 15, टोटल सम अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा n प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ से टोटल सम कितना आ जाएगा 15n आएगा। आप मुझे बताओ क्या कह रहे हो कि पहली संख्या में 30 जोड़ रहे हो और संख्या में 5 घटा रहे हो, मतलब जो नंबर है टोटल प्राकृतिक संख्या है तो वही रहने वाली है, 30 जोड़ रहे हो 5 घटा रहे हो। आप मुझे बताओ सम में आप क्या कर रहे हो, 30 जोड़ रहे हो और 5 घटा रहे हो, मतलब पहली संख्या में 30 जोड़ रहे हो 5 घटा रहे हो, तो देखो 15n प्लस 30-5 क्या होगा, टोटल सम ही तो होगा ना, टोटल सम होगा। आप मुझे बताओ एवरेज कितना रहे, इसके चक्कर में आपको एवरेज कितना मिला, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन नंबर। आप मुझे बताओ एवरेज कितना हो गया, अगर आपने 30 जोड़ा 5 घटाया एवरेज कितना हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। आप मुझे बताओ 17.5 इजकल टू 15n, यहाँ प्लस 30 में से 5 गया कितना हुआ 25 अपॉन n। आप देखो n को इधर भेज दो, 17.5n माइनस का देखो 15n प्लस का इधर जाएगा कितना हो जाएगा 15n इजकल टू क्या आएगा 25। अब देखो 17.5 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 2.5n इक्वल टू 25। आप देखो 2.5 से 25 काटोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 10। या तो आप ऐसे सोच लो या आप ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये थे आज के 10 सवाल दोस्तों। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। रेड सवाल हम अगली स्लाइड में जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।